कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। अब हम लोग अगला लेसन आज शुरू करने वाले हैं जिस जो कि चैप्टर 13 है और जिसका नाम है दादाजी। कल हम लोगों ने अशोक के दादी के बारे में पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के दादाजी के बारे में। ठीक है, तो दादाजी जो है आपने देखा होगा आपके दादाजी घर में रहते हैं, होते हैं ना दादाजी, तो वो जो है उनका पूरा वो चश्मा लगाते हैं, है ना, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं, बराबर है ना। मैंने आपको कल समझाया था कि जो है दादाजी होते हैं वो मंदिर जाते हैं, बाजार जाते हैं, है ना, घूमने के लिए थोड़ा सैर करने जाते हैं, है ना, और अपने बच्चों से ग्रैंड सन जो होते हैं ग्रैंड डॉटर सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो अशोक के दादाजी जो है उनके बारे में अशोक ने ये लेसन में बताया है। ठीक है, चलो टेक ऑफ योर हिंदी रीडर, छोटी वाली बुक निकालो सब लोग और पेज नंबर 27 चैप्टर नंबर 30 दादाजी। ठीक है, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और बुक में उंगली रखकर देखेंगे तब आपको रीडिंग करना आएगा। और मैं जब यहाँ पढ़ा देती हूँ उसके बाद घर पे सबको पढ़ना है, नहीं आएगा तो अपने मम्मी को पूछना, भैया को पूछना, दीदी को पूछना, ठीक है, वो आपको बताएंगे, बराबर है। चलो पहले हाथ बस देखो, कुर्ता साथ साथ बोलोगे मेरे, धोती, ऐनक, राइट, सफेद, अखबार, बाजार, मिठाई, अच्छी अच्छी, है ना, दो बार लिखा है, अच्छी अच्छी का मतलब होता है गुड, है ना, लेकिन उसको हिंदी में दो बार लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है दो बार लिखने से, लेकिन लिखते हैं हिंदी में लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो है लेसन रीडिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन पर यहाँ उंगली रखो। अब ये पिक्चर आपको देखना है, देखो दादाजी जो है आपको कहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं वो, अखबार पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है ना सुबह सुबह, तो जैसे आपके पापा पढ़ते हैं बाद में दादाजी पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे अशोक के दादाजी के भी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो घड़ी रखी है ना, पास रखा है, ठीक है, और उनकी आंखों में क्या लगा हुआ है, स्पेक्टिकल्स पहने हुए है ना, चश्मा, उसको बोलते हैं ऐनक, समझ में आया, तो ऐनक उन्होंने लगा रखी है, फिर कुर्ता पहना है और धोती पहनी है, ठीक है ना, व्हाइट कलर की धोती आती है ना वो पहनते हैं और ऊपर जो है कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, तो ये सब पहने हुए हैं, ये हमारे दादाजी हैं। मेरे साथ साथ सब लोग पढ़ो, ये हमारे दादाजी हैं। सेकेंड लाइन नीचे उंगली रखो सब लोग, ये कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, उन्होंने क्या ड्रेस पहनी है, धोती और कुर्ता, ठीक है, इनकी आंखों पर ऐनक लगी है, दादाजी ने चश्मा पहन रखा है, ठीक है, चश्मा कौन सा होता है, ब्लैक चश्मा नहीं, दूसरा जो आता है ना जो हमको पढ़ने में और देखने के काम आता है, जैसे बुजुर्ग जो लोग जाते हैं उनको चश्मा लगाना पड़ता है ना, है ना, इसलिए बुजुर्ग को भी अभी तो जिसको आंखों से दिखता नहीं उनको लगाना ही पड़ता है चश्मा, कम दिखता है, बराबर है ना, तो ऐसी उनकी आंखों पर भी जो है ऐनक लगी है। इनके बाल सफेद हैं, है ना, बुजुर्ग है तो कैसे हैं उनके बाल, सफेद, व्हाइट व्हाइट बाल हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी कुर्सी पे बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वे रोज शाम को बाजार जाते हैं, दादाजी रोज शाम को कहाँ जाते हैं, घूमने बाजार जाते हैं। कभी कभी वे हमें भी बाजार ले जाते हैं, है ना, कभी कभी अशोक को, हमें से क्या मतलब है, अशोक को, दीपाली को और रूपाली को, तीनों भाई बहनों को, हमें से मतलब ये है, अकेले अशोक को ले जाते तो क्या लिखेंगे, मुझे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उन लोगों को, बच्चों को भी बाजार ले जाते हैं। आया समझ में, यहाँ तक बीड़ी का गई सबको। नेक्स्ट पेज, वे हमें फल और मिठाई खिलाते हैं, ना बाजार से खरीदते हैं और उनको खिलाते हैं। वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना, दादाजी होते हैं, बाप मम्मी होते हैं, वो सब लोग हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, मैनर्स, है ना, गुड मैनर्स सिखाते हैं, बराबर है, हमको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं, ठीक है, हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं। देखो दीपाली खड़ी है यहाँ पर, है ना,
और बच्चे करते हैं। आ गया समझ में, ग्रीटिंग आई सबको, फिर से पढ़ना सब लोग अच्छी तरह से। देखो मैं एक बार और पढ़ रही हूँ, ये हमारे दादाजी हैं, ये कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, इनकी आंखों पर ऐनक लगी है, इनके बाल सफेद हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, वे रोज शाम को बाजार जाते हैं, कभी कभी वे हमें भी बाजार ले जाते हैं, वे हमें फल और मिठाई खिलाते हैं, वे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब फिर लिखा ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर देखो, दादाजी की आंखों पर डैश लगी है, अभी क्या समझाया था मैंने, दादाजी ने क्या पहना हुआ है, क्या लगा रखा है आंखों पर, ऐनक, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऐनक। दादाजी रोज शाम को डैश जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, बाजार, है ना, बाजार जाते हैं ना रोज शाम को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाजार। दादाजी हमें अच्छी अच्छी सिखाते हैं, क्या अच्छी अच्छी सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बातें। आगे समझ में, अब फर्स्ट क्वेश्चन, दादाजी क्या पहने हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे, दादाजी कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, है ना, उन्होंने क्या, उनकी ड्रेस क्या है, धोता धोती और कुर्ता, है ना, कुर्ता और धोती। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दादाजी, अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। आ गया समझ में सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी नई है आपके लिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने फ्रूट्स के नेम पढ़े, बराबर है, फ्रूट्स के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको पता है, सभी इंग्लिश में नाम तो आप लोगों को पता है ना, थर्ड में भी पढ़े थे सबने, है ना। तो वैसे ही जो है वो क्लोथ्स के नाम भी होते हैं, जैसे ट्रीज के नाम भी आपने पढ़े थे, है ना, बर्ड्स के पढ़े थे, फिर वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, इसके सबके नाम हिंदी में पढ़े थे पहले, है ना, अपना मैंने पढ़ाए थे ना आपको, भालिका मैडम ने पढ़ाए थे, बराबर है। तो वैसे ही जो है आपको अभी एक नया आया है, क्लोथ्स, कपड़े, है ना। अब कपड़ों में क्या क्या होता है, कौन कौन से कपड़े होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं, देखो उनको बोलते हैं कपड़े लत्ते। अब इसमें कौन कौन से कपड़े होते हैं, कुर्ता, अचकन, पतलून, पैंट, है ना, लहंगा, जैसे जो चनिया चोली पहनते हो, फिर कमीज, अंगरखा जो कोटी पहनते हो, पाजामा, धोती और साड़ी। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, तो ये आपको पीडीएफ में जो है आपको मैं भेजूंगी, तो आपको सीडब्ल्यू में कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया क्लियर सबको। नेक्स्ट देखो आप, अब वर्बू का थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट हमारा इलेवन क्वेश्चन आया है यहाँ पर, फ्रूट्स, ठीक है, राइट इन वर्कबुक ऑनली, इसको सिर्फ वर्कबुक में ही करना है, सीडब्ल्यू में नहीं करना है। ठीक है, खाली क्वेश्चन आंसर सीडब्ल्यू में करना है। इसमें देखो, फर्स्ट देखो, मेरे साथ साथ सब लोग बोलो, ये फ्रूट्स के नाम सबको आते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंगो, आम, स्वीट लेमन, मौसम्बी, लीची, लीची, जामुन, जामुन, ग्रेप्स, अंगूर, ऑरेंज, संतरा, पोमेग्रेनेट, अनार, पपाया, पपाया, पपीता, चीकू, चीकू, एप्पल, सेब, बनाना, केला, गुआवा, अमरूद। ठीक है, ऐसे लर्न करने का, इंग्लिश में और इसमें दोनों में लर्न करना है आपको। ठीक है, अभी आपको क्या दिख रहा है चित्र में, केला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केला। ठीक है, चीकू सेकंड में, थर्ड में पपीता, ठीक है, फोर्थ में है आम, नेक्स्ट है लीची, फिर है अंगूर, ठीक है, फिर ये क्या लिखना है आपको, संतरा, ये क्या है, जामुन, ठीक है, ये है मौसम्बी, फिर है सेब और ये है अनार। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा करके गुजराती पता है कि इसको गुजराती में क्या और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बराबर, तो इसको हिंदी में आपको ये नाम आपको लर्न करना है। ठीक, और जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, ये फ्रूट्स के नेम आपको लिखने के लिए आते हैं, तो आपको फ्रूट्स के नेम में आपको आम, अनार, केला, संतरा, चीकू, पपीता, सब लिख सकते हैं, या फिर इसमें से भी लिख सकते हैं, सब नाम इसमें से लिए हुए हैं, आया समझ में। तो इस तरीके से आपको इसमें सिर्फ वर्कबुक में ये करना है। दादाजी वाला लेसन कहाँ लिखना है, सीडब्ल्यू में, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का जो छोटी बुक का जो आता है वो आपको जो कहाँ पे लिखना है, सीडब्ल्यू में, ठीक है, और ये रोज लर्न करना है, रोज जो है रीडिंग करनी है, रोज आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ना है,
बाराक्षरी वगैरह जो मैंने बताई थी वो भी ड्रॉ पिक्चर्स भी करने हैं, रोज ड्रॉ पिक्चर्स भी करने के लिए लिखने के लिए तो है आप लोगों को आएंगे, ड्रॉ पिक्चर्स बने हुए होंगे, आपको उसका अल्फाबेट लिखने के लिए आता है, नाम लिखने के लिए आएगा, आया समझ में? तो इस तरीके से आपको जो है वो तैयारी अपनी करनी है, अभी एग्जाम आने वाली है ना, इसलिए हमको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। अभी सब लोग पढ़ाई करेंगे बिल्कुल सिंसियरली, दोपहर में भी सुबह भी बराबर, सुबह का आपको वीडियो आ जाता है तो उसमें आपको तुरंत लिखने बैठना है बराबर है, और दोपहर में जो है लर्न करने का काम करना है, दोपहर में और शाम को क्या करना है, लर्न करने का काम करना है, समझ में आ रहा है? अभी तक तो आप रोज लिख के लिख लिख करते थे रोज रोज, अभी लर्न करने भी बैठना है, लर्न करोगे तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे ना, अभी एग्जाम भी होने वाली है, समझ में आ रहा है? आ गया ना समझ में सबको? ठीक है, तो अगली बार फिर हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन जो है पढ़ेंगे बराबर है, तो ये सब आप लोग जो है घर पे लिख लेना, ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।